बीजेपी की। 10 साल के बाद दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी, 35 से 370 तमाम चीजों को मुद्दा बनाने के बाद भी अगर आप 28 पर हैं, आपको लगता है वाकई कुछ आप हासिल कर पाए हैं? बिल्कुल हासिल कर रहे हैं। देखिए, एक लंबी लड़ाई है जो देश को, देश के विभाजन के बाद से, जब से देश आजाद हुआ है तब से एक लंबी लड़ाई हम लड़ रहे थे कि किस तरीके से घाटी में, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति लाई जाए, जिस तरीके से अमन लाया जाए, किस तरीके से वहां के बच्चे पढ़े, किस तरीके से वहां पे इम्प्लॉयमेंट बढ़े, पैसा आए, किस तरीके से 370 हटनी चाहिए, उनके पास भी वही हक होने चाहिए जो पूरे देशवासियों के पास है। एक लंबी लड़ाई है और हम उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे एक सीट बढ़ना हो, दो सीट बढ़ना हो, लगातार हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और जब किसी चीज का इलाज किया जाता है, शुरुआत में जब कड़वी दवाई दी जाती है तो उसका असर होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए देश प्रथम है, देश की शांति, देश में अमन, देश में तरक्की प्रथम है और हम अपने स्टैंड पे कायम है। हमने कभी अपने स्टैंड से डगमगाया नहीं, हमने कोई अलायंस नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अभी आप देखते जाइए जम्मू कश्मीर के नतीजे, नेशनल पार्टी का हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वहां की स्थानीय पार्टी के साथ हमारा भी कॉम्पिटिशन है, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आज कहां है, जो 370 वापस लाने की बात कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के बारे में पूरे विश्व भर में जाके उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, जो अमेरिका से जॉर्ज सोरेस के साथ और पता नहीं बांग्लादेश में जा जाके राहुल गांधी बांग्लादेश के लोगों के साथ क्या क्या षड्यंत्र रचा रहे थे लंदन में, उसका नतीजा क्या है? वो 8 सीटों पर सिमट गए हैं। जितना कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, लगातार देश की जनता उसे जवाब दे रही है और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बेहतर कर रही है। वैसे मैं टैली में बता दूं, आपकी पार्टी तीसरे पायदान पर है और बीजेपी 28 पर है, इसलिए शायद राधिका जी ऐसा बोल पा रही है। नहीं, ऐसा है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो विचारधारा की लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन के जरिए से जो जम्मू प्रांत में इन्होंने सीटें बढ़ाई, उसका निश्चित रूप से इनको थोड़ा फायदा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम तो सीटें ही कम लड़े हैं ना, फिर भारतीय जनता पार्टी हमारे से ज्यादा सीटें लड़ी है और हमारा प्रीपोल अलायंस था, तो ये किस तरह से हमें अकेला कंपैरिजन कर रही है? भाई, एनसी के साथ में हमारा प्रीपोल अलायंस था। आप अगर सरकार बनाने की स्थिति में हो तो अलग बात है, आप तो कोई सरकार बनाने की स्थिति में वहां पर हो नहीं, सरकार तो वहां पर नजर आ रही है कि एनसी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, तो निश्चित रूप से आपके मुद्दों को जम्मू कश्मीर की जनता ने खारिज किया है। वो चाहे कोई मुद्दे हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, कोई मुद्दे, जितने मुद्दे नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने वहां पर जाकर के उठाए हैं, वो तमाम सारे मुद्दे जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता ने खारिज किए। हाँ, जम्मू प्रांत के अंदर आपको कुछ सीटें ज्यादा मिल इसलिए रही हैं क्योंकि वहां पर आपने क्लियर पोलराइजेशन करने का प्रयास किया, कटेंगे तो बटेंगे, ये बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातें आपने की है, उसका आपको निश्चित रूप से वहां पर फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार तो बीजेपी की नहीं बन रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, उसके बाद में कोई आप तंत्र यंत्र कुछ लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए, आपका बैठा है सरकार उसका मतलब ये कि हरियाणा में तो इस चुनाव में आपने कहा कि देखो बटेंगे तो कटेंगे, और कश्मीर में आपने जाके कहा कि ईद और मुहर्रम में दो सिलेंडर हम आपको मुफ्त देंगे, ये कंट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स थी। जी देखिए, पहले तो मैं देखना चाह रही हूँ कि हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में क्या बदलेगा। एक सीट भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है, जैसे मैंने कहा था घटेंगी कांग्रेस की, बढ़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की, वो हमें हरियाणा में देखने को मिल रहा है। और मैं अभी भी कह रही हूँ जम्मू कश्मीर में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, और आखिर में आप देखिएगा कि जब तक अगले लोकसभा चुनाव आएंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, सरकार हर जगह भारतीय जनता पार्टी की होगी, चाहे जितनी यात्राएं कर ले राहुल गांधी, जितना जहर घोलने की कोशिश कर ले, ये देश बटेगा नहीं, क्योंकि ये देश कटेगा नहीं। देश चाहता है तरक्की, देश चाहता है एम्प्लॉयमेंट, देश चाहता है अमन और शांति, जो भारतीय जनता पार्टी ही देती आई है, और लगातार देश की जनता वो हमारे को नतीजों में दिखाती आई है। वोट की चोट लगातार किसको मिल रही है, जो 99 में ऐसी खुशी मना रहे थे जैसे उन्होंने सरकार बना ली, वो
राहुल गांधी जो जाके विदेश में देश को बदनाम करने का काम करते हैं, ये भारत देश है और यहाँ ये कभी ना झुका है ना झुकेगा, चाहे जितनी राहुल गांधी ताकत लगा दे विदेशियों के साथ मिलकर और जॉर्ज सोरस के साथ। जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार बनेगी और इनकी जितनी पीढ़ियां आ जाए गांधी परिवार की, 370 वापस नहीं ला पाएंगी जम्मू कश्मीर में। वैसे एक बात और भी बोलूं, एनके सिंह साहब को भी मैं शामिल करूंगा। बीजेपी ने दो मुस्लिम प्रत्याशी भी इस बार हरियाणा में उतारे थे, फुरहाना और फिरोजपुर झिकरा में, और नू में जहां से हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी जीतते हैं वहां पर इन्होंने संजय सिंह को इस बार टिकट दिया था। हालांकि संजय सिंह पीछे चल रहे थे, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको भी हम हासिल करेंगे। लेकिन क्या डेमोग्राफी बदली हरियाणा के नतीजों में जो भी हमें दिख रहा है? हरियाणा के नतीजों में भाई एक तो ये है कि कोई भी जो लॉजिक हो सकता है वो डिफाई हो रहा है। कोई भी तर्क हम अगर करें तो वो बेमानी होगा, क्योंकि उसकी काट हमारे पास हमारे सामने ही नजर आ रही है। एक ये लगा कि आंधी चल रही है, मतलब जो भी हरियाणा गया उसने कहा साहब सीधे कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही, बहुत स्पष्ट था। चुनाव नतीजे जब आए तो पहले 1.5 घंटे में यही स्थिति रही और लगातार बढ़ती रही। आज आप देख रहे हैं कि अगले 1.5 घंटे में ये बिल्कुल उल्टा हो गई, और इतना उल्टा हो गई कि आप देख रहे हैं कि पिछले, मैं अभी देख रहा था कि पिछले 35 मिनट पे 49, 48, 50 बीजेपी को मिला है, मतलब हाफ वे मार्क कब का क्रॉस कर गई है और ये लगातार। अब हम अगर मान ले कि 6 राउंड एवरेज हो चुके हैं या 7 राउंड हो चुके हैं, तो अगर ये स्थिति है तो औसत जो राउंड होंगे मुझे लगता है करीब 14, 15, 16 राउंड होते हैं किसी भी राज्य में। तो अगर इसको देखें तो ये तो रिजल्ट है। बीजेपी का जीतना 49 और कांग्रेस का 35, तो फिर क्या हुआ उस आंधी का जो हम सब लोगों ने एसेस किया था, जो एग्जिट पोल ने एसेस किया, जो तमाम एनालिस्ट ने 4 से 8 राउंड औसतन हो चुके हैं सर, अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देख। हाँ, तो 4 से मतलब 6 मान लीजिए, औसत अगर ले तो 6 आता है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 16 राउंड 15 राउंड होते हैं एक किसी भी राज्य में। तो अगर आप देखें कि हाफ वे मार्क क्रॉस कर चुका है और इस समय बीजेपी पिछले 1.5 घंटे से अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है, तो मुझे कोई कारण नहीं नजर आता कि लेकिन आप जैसा कि हमने कहा कि हर तर्क हमारा गलत साबित हो रहा है, और ये जो रिजल्ट आ रही है सरप्राइजिंग है। हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि हरियाणा में बीजेपी इतने बड़े पहले तो जीतेगी का ही नहीं था, हरियाणा में हार रही है बेसाख्ता, हर आदमी ने कहा और जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से उन्होंने कहा। तो अगर ये बीजेपी का रिजल्ट है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा सरप्राइज है, शॉक है ये हम सब के लिए। और अशोक तंवर जैसे नेता बेचारे क्या सोच रहे होंगे? मनोज सर आप कुछ देखिए, ऐसा है कि लोकसभा के टाइम जो एग्जिट पोल हुए उनमें से कोई भी एग्जिट पोल वो नहीं था, ठीक नहीं था, और उसी तरीके से हरियाणा विधानसभा के जो भी एग्जिट पोल हुए आप देखिए सारे के सारे एग्जिट पोल गलत थे। तो हम लोग अपने चैनल में पहले सोच रहे थे कि एग्जिट पोल करें, अब लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छा वो हमने एग्जिट पोल नहीं किया। तो ठीक है, तो अच्छा इसके साथ एक और चीज, आधा कन्फेशन है।